नवसारी कांग्रेस उम्मीदवार नैसत देसाईए पत्रकार परिषद योजी भाजपनी बाइक रेली सामे चूंटनी पंच में फरियाद करी हती, साथे पोलिसनी कामगीरी सामे सवाल उभा कर्या हता। नवसारी कांग्रेस उम्मीदवार नैसत देसाईए पत्रकार परिषद योजी हती अने जणाव्यु हतु के सी आर पाटिल नी बाइक रेली बाबते चूंटनी पंच ने फरियाद कराई छे। नैसत देसाईए जणाव्यु हतु के अमे चूंटनी तंत्र ने बे फरियाद करी छे। लिंबायत विस्तार में अमारी पदयात्रा हती, तेने पोलिस द्वारा रोकवामां आवी हती। अमारा यात्राना आयोजकोने पकड़वामां आव्या हता, तो अमारी पदयात्रामां 500 बहेनो हती, छतां एक पण पोलिसनी गाड़ी अमारी साथे आवी न हती। पोलिस अमने हैरान करती रही। ज्यारे रविवारे भाजपनी रेली मारा फार्म बहार निकली त्यारे 50 कार आ रेलीमां हती। 3 कलाक सुधी आ कार रेली साथे पोलिस हती, जेथी भाजपनी रेली बाबते चूंटनी तंत्रने फरियाद करी छे। अमारी पासे कार्यकर्ताओनी कमी छे, तो मोटा भाई पाटिल पासे 4000 कार्यकर्ता छे अने अमारी पासे 1000 कार्यकर्ता छे। सम्माननीय मीडिया के साथियों, चुनाव का प्रचार तो खत्म हो चुका। हमने इस बार केवल पदयात्रा पर ही ध्यान दिया और कोई बड़ी सभाएं या बड़ी रैलियां पे हमने ध्यान नहीं दिया। तो हमारा जो आशय था वो पदयात्रा का सत्याग्रह, जीएसटी जैसे भारी टैक्स कर बोझ के खिलाफ था। पदयात्रा का सत्याग्रह, मतदाताओं की आज़ादी, स्वतंत्रता, समानता, एकता प्रस्थापित करने के लिए था। पदयात्रा का सत्याग्रह मीडिया न्याय तंत्र के सेवकों की आज़ादी, स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए था और उनके सम्मान और गरिमा के लिए था। पदयात्रा का सत्याग्रह युवाओं के बीच में महात्मा गांधी के विचारों प्रस्थापित करके सत्य और अहिंसा के लिए था। पदयात्रा का सत्याग्रह धन और भय का इस्तेमाल करके, धन और भय का दुरुपयोग करने वाली राजसत्ता के खिलाफ। पदयात्रा का सत्याग्रह भयानक आर्थिक असमानता पैदा करने वाली सरकार के खिलाफ। पदयात्रा का सत्याग्रह सामाजिक, धार्मिक, राजकीय असमानता पैदा करने वाली सरकार के खिलाफ था। और पदयात्रा का सत्याग्रह महात्मा गांधी की दांडी यात्रा और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उस अंजलि देने के लिए था। हमने दो शिकायत करी है चुनाव आयुक्त को। एक, माननीय पाटिल जी, संगीता जी के एरिया में हमारी पदयात्रा थी, पुलिस ने हमारे अधिकारी प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया, पदयात्रा को रोका गया। मैंने कहा पीआई साहब को कि आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए और 2 दिन के बाद छोड़ दीजिए। इसके बाद फिर उन्होंने छोड़ा और हमारी गाड़ी छीन ली और फिर बाद में हमारी पदयात्रा चली। 500 महिलाएं हमारी पदयात्रा में पैदल चलती थी, एक भी पुलिसकर्मी, एक भी वैन हमारे साथ नहीं थी और हमको ये परेशान किया गया। कल यहाँ सुबह 10 से 11 मेरे ईश्वर फार्म के मेन रोड पे 1000 लोगों की बाइक रैली और कार रैली के साथ माननीय पाटिल जी के समर्थन में ईश्वर फार्म के सामने इस रोड पे सुबह 10 से 11 50 पुलिस वान ने कार, ये हमने इसके फोटोग्राफ दिए हैं। तो जो पुलिस की कार 50 इसमें थी और 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1/2 घंटा यहाँ से वहाँ से यहाँ ऐसे चली। तो हमने चुनाव आयुक्त को शिकायत करी है, लिंबायत की वर्षों रात की हमने शिकायत करी है, गुड़ादरा की, और हमने ये जो हुआ है इसकी शिकायत हमने करी है प्रियादर जी, और चुनाव आयुक्त को हमने कहा है कि आप इस पर कार्यवाही करके चुनाव आयुक्त TN सेशन साहब को श्रद्धांजलि दीजिए। तो ये हमारी दो शिकायत है और हम मतदान के लिए 7 तारीख मंगलवार
10 और 10:30 के बीच सामने हॉस्टल बिल्डिंग वाल्मीकि कैंपस पनास गांव कुशी फार्म में मतदान के लिए हम जा रहे हैं। ये आपको ये जानकारी के लिए हमने ये आपको सारे फरियाद दोनों फरियादें हमारी दी है और ये दी है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे सूरत लोकसभा में अंध भक्तों ने क्राइम ब्रांच को बीच में रख के जैसे चुनाव के 18 लाख मताधिकार मतदाताओं के अधिकार की जो हत्या करी है, ऐसे हमारे जो कार्यकर्ता कल बूथ पे काम करेंगे उन्हें क्या क्राइम ब्रांच बख्श करेगी? क्या चुनाव उदारता से विरोध को सहकार और विरोध को सम्मान के साथ कल होगा? हम उम्मीद करते हैं होगा। अब आपको न्याय करना है कल रात को, और कल आपको न्याय करना है।